जो है इस संबंध में आपका क्या कहना है? कि अविश्वास प्रस्ताव एक विपक्षी दल की तरफ से एक मुद्दा भटकाने का है। 10 दिन ऑलरेडी समय बर्बाद हो चुका है हमारा, सदन का समय बर्बाद हो चुका है, और अगला 4-5 दिन और इसमें बर्बाद होगा। अविश्वास किसको है? देश की जनता को तो अविश्वास है नहीं, ये सब समय बर्बाद करने का है। और विपक्ष इसको एक मुद्दा की तरह इसलिए उठा रहा है ताकि वो अपने अपना राजनीति चमका सके, पर देश की जनता को आदरणीय पीएम मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है। और यह हो सकता है कि हम ये चाहेंगे कि 2028 में फिर से यह अविश्वास प्रस्ताव आदरणीय मोदी जी के लिए ऑपोजिशन फिर से लाए। क्या लगता है सर, मणिपुर जा रही विपक्ष के लोग और बार बार इसको उठा रहे हैं, क्या लगता है महिलाओं के प्रति विपक्ष का जो ये तरीका है, क्या वो सही है कि महिला को कर रही, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट था? ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और ये सिर्फ मणिपुर में नहीं पूरे देश में। आज आप देखिए ये जो विपक्षी दल इंडिया के जो लोग हैं, ये लोग आज बिहार के ऊपर से उड़ते हुए गए और मणिपुर लैंड किए हैं। उनको यहाँ भी उतरना चाहिए था, यहाँ के भी राज्यपाल से मिलते, बंगाल के ऊपर से उड़ते हुए गए वहाँ के भी राज्यपाल से मिलते। इनको पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए और तब रिपोर्ट देना चाहिए। ये सिर्फ वैसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे बीजेपी का शासन है, ये गलत है। इसके ऊपर पूरे देश के ऊपर एक कठिन से कठिन इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए ताकि ये चीज महिलाओं के साथ ना हो। नीतीश कुमार भी सर इस पर 2 दिन पहले कहा मणिपुर में जो घटना हुई, नीतीश कुमार ने भी अब सर उसको बयान दिया, साथ में ललन सिंह भी मणिपुर पहुंचे हैं, क्या लगता है बिहार को लेकर भी वो सोच रहे हैं कि सिर्फ मणिपुर की केंद्र की राजनीति को? ऐसे में जैसे मैंने बोला कि नीतीश कुमार को पहले तो बिहार के अंदर फोकस करना चाहिए, यहाँ पे जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर देखना चाहिए, उसके बाद वो देश की बात करें। वो यहाँ का देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ के युवाओं का वो भविष्य चौपट करके अपना भविष्य बना रहे हैं, ये गलत है। आप वापस इस जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं उस पे आपका ध्यान होना चाहिए।